मां तव्हां वटि सेकंड चैप्टर जे लेक्चर सां गॾु ॻाल्हि वधायां इंटीजर्स जे बारे में. फर्स्ट चैप्टर असांजो कंप्लीट थियो, उमेदु आहे तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो. सेकंड चैप्टर आहे असांजो कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर तमामु अहम चैप्टर आहे. हिन मां कोर्स वारा इंस्टिट्यूट लिखी सघनि था. हर साल एनुअल पेपर में कॉम्प्लेक्स नंबर 4 खां 5 इंस्टिट्यूट्स अचनि था. कॉम्प्लेक्स नंबर आहे छा? कॉम्प्लेक्स नंबर तमामु आसान आहे. मां जल्दी जल्दी तव्हांखे सम्झाईंदो वेंदुसि त जीअं तव्हांखे इनशाला सम्झ में मिली वेंदो. कॉम्प्लेक्स नंबर ॿिनि शयुनि मां बि निकिरे थो अचे, रियल एंड इमेजिनरी. यानी कि एक्स प्लस वाई आयोटा खे ज़ेड सां अक्सर ज़ाहिर कंदा आहियूं, गॾु करे लिखंदासीं त हीउ थी वियो असांजो कॉम्प्लेक्स नंबर. जंहिंमें जेको एक्स आहे रियल पार्ट, ऐं वाई जेको आहे उहो आहे इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट खे आई सां ज़ाहिर कयो वेंदो आहे. आई खे आयोटा चयो वेंदो आहे. आई जी वैल्यू आहे अंडर रेडिकल -1. ही आहे असांजो कॉम्प्लेक्स नंबर. छो त असां पढ़ी आया आहियूं फर्स्ट ईयर जे कोर्स में, इन करे हिनखे सम्झाइण लाइ घणो टाइम वेस्ट न कंदासीं. इन जा एमसीक्यूज़ कीअं था ठहनि उन लाइ तव्हांखे महिनत करणी पवंदी. हाणे सभ खां पहिरीं त कॉम्प्लेक्स नंबर जा जेके 4 बेसिक फार्मूला आहिनि, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, इंडिवीजन, पर उन्हनि ते तव्हांखे केरु पढ़णो हुजे. जेतिरा जल्दी तव्हां उन्हनि खे साफ़ु करे सघंदो, ओतिरा जल्दी तव्हां हिन जा एमसीक्यूज़ साफ़ु करे सघंदो. उहे तव्हांजा पढ़ियल आहिनि, उन्हनि ते तव्हां थोरी महिनत कयो. अॼु असां सम्झंदासीं कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. टाइम बचो त अञा वधीक मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऐं एडिटिव इनवर्स सम्झंदासीं, छो त इहे आसान टॉपिक आहे. हाणे असां ॾींदासीं कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हाणे असांखे सपोज कयो को कॉम्प्लेक्स नंबर मिलंदी. फॉर एग्ज़ाम्पल असांखे ॾींदा मोकिला एक्स प्लस वाई आयोटा. जॾहिं तव्हांखे चयो वञे त ज़ेड कॉन्जुगेट जी वैल्यू फाइंड कयो, ही ॿार मतिलबु कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट में असां सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इमेजिनरी पार्ट जी साइन तब्दील करे छॾींदासीं त सॼो कॉन्जुगेट साफ़ थी वियो. इमेजिनरी पार्ट जी निशान मां तव्हांखे ॿुधायां, जंहिं सां गॾु आयोटा हूंदी, दैट इज़ द इमेजिनरी पार्ट. हाणे हिन जो कॉन्जुगेट थींदो एक्स माइनस वाई आयोटा. कॉन्जुगेट में को बि मसालो न आहे. इट इज़ वेरी ईज़ी. इहो कॉन्जुगेट. हाणे असां सघंदासीं मॉड्यूलस. सपोज कयो ज़ेड असांखे को वैल्यू मिलिया एक्स प्लस वाई आयो न. हिन जो जेकर मॉड्यूलस फाइंड कबो त मॉड ऑफ ज़ेड बराबरि आहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रेडिकल साइन. मॉड ऑफ ज़ेड जो स्क्वायर कंदासीं त हुनजो रूट ख़तमु थींदो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अची वेंदो. वाई इज़ इमेजिनरी पार्ट, एक्स इज़ रियल पार्ट. अक्सर स्टूडेंट ग़लती या कंदा आहिनि त हिन में अंदर बि आयोटा रखी वेंदा आहिनि. पुटु माइनस जे फार्मूले में कॾहिं बि अंदर आयोटा न ईंदी, सिर्फ़ु आयोटा जी वैल्यू ईंदी. मां तव्हांखे एग्ज़ाम्पल सम्झायां थो. जेकॾहिं असांखे चए थो ज़ेड इज़ इक्वल 1 प्लस आयोटा मिलियल आहे, त जॾहिं हुनजो कॉन्जुगेट करे ॾेखारियो, कॉन्जुगेट में छा कंदासीं? सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इमेजिनरी पार्ट जी साइन तब्दील करे छॾींदासीं, असांजो कॉन्जुगेट थी वियो. हाणे हिनजो जेकर मॉड्यूलस सोचे त मॉड्यूलस में असांखे ख़बर आहे फॉर्मुलो आहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हिते अक्सर स्टूडेंट भुलिजी पवंदा आहिनि. चवंदा आहिनि त वाई जी वैल्यू आहे कोन, आयोटा आहे, त ठोके आयोटा लिखी छॾींदा आहिनि ऐं पोइ उहा शइ ग़लति थींदी आहे. पुटु आयोटा न आहे लिखी असांखे. असांखे ख़बर आहे त हर वेरिएबल सां गॾु हिकिड़ो कोएफिशिएंट हूंदो ई हूंदो आहे, त असांखे उहो कोएफिशिएंट लिखिणो आहे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. त मॉड ऑफ ज़ेड इज़ इक्वल टू अंडर रेडिकल 2. डायरेक्टली इहे क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन कीअं ईंदा तव्हांखे अची सघे थो. ज़ेड इज़ इक्वल टू आयोटा, मॉड्यूलस फाइंड करे ॾेखारियो. पुटु हिन जो मॉड्यूलस थींदो ज़ेड मॉड स्क्वायर कंदासीं, कैंसिल ईंदो 1. छो त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स जी वैल्यू 0 आहे, वाई जी वैल्यू 1 आहे. 1 जो स्क्वायर 1 कंदासीं, 1 जो रूट 1 ई निकिरंदो आहे. कैंसिल छा आयो? कैंसिल आयो 1. हाणे हिते अक्सर स्टूडेंट भुलिजी पवंदा, पर मैं कोशिशि कयो पुटु, ज़रूरु इहो ॾिसिजो त हिन में एक्स 0 आहे, उनजो असां स्क्वायर न कंदासीं. 0 जो स्क्वायर 0 हूंदो आहे, करण जी ज़रूरत न आहे. वरी हिते तव्हांखे हीअं ॾेई छॾींदो ज़ेड इज़ इक्वल टू 1/2 प्लस 3 आयोटा. हाणे हिनजो कॉन्जुगेट करे ॾेखारियो. अक्सर स्टूडेंट भुलिजी पवंदा हाणे छा कयूं कीअं कयूं. पर का बि घबराइण जी ज़रूरत न आहे. 1/2 माइनस 3 आयोटा करे छॾींदासीं, डेट सां इहे तव्हांजो एंसर थींदो. त कॉन्जुगेट में सिर्फ़ु इमेजिनरी पार्ट जी साइन तब्दील कंदा आहियूं ऐं मॉड्यूलस में ॿिन्हिनि जो स्क्वायर करे उनजो रूट छॾाईंदा आहियूं. इहो थींदो मॉड्यूलस. डियर स्टूडेंट्स, हिन महिल असां सिखियासीं त मॉड्यूलस कीअं फाइन कंदा आहियूं ऐं कॉन्जुगेट कीअं फाइन कंदा आहियूं. तमामु आसान आहे. मॉड्यूलस जो फॉर्मूलो आहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रेडिकल साइन. कॉन्जुगेट में सिर्फ़ु असां इमेजिनरी पार्ट जी साइन था तब्दील कयूं. हाणे असां ॾिसंदासीं त एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कंदो फाइन थी. एडिटिव इनवर्स खे असां ज़ाहिर कंदा आहियूं ए आई सां, पर एम सी क्यूस में डायरेक्ट लिखियलु हूंदो वॉट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, या लिखियलु हूंदो फाइंड
a dot I of the complex number या of the following problem. The a dot I means edit inverse. यह इतना तो आसान है जी है नहीं 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 आसान प्लस माइनस करना तमाम आसान है. For example आसान के लिए 3 - 2 I है ना जो आसान के चार नंबर आए a dot I. Edit inverse means only we change the sign of the all numbers. आसान के सभी नंबर जो साइन को तब्दील करने आए एडिट इनवर्स दियो और ही 3 चार्ज हुआ प्लस जो थे माइनस जो थी दो ही चार्ज हुआ माइनस जो थे प्लस जो थी दो दैट इज योर आंसर. यो आई एडिट इनवर्स मल्टीप्लिंग इनवर्स अब फार्मूला बताने में सीन मल्टीप्लिंग इनवर्स फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी असाइन पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इन जो मल्टीप्लिंग का जो फार्मूला ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अक्सर इसमें ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं मुझे पता है इन्हें करें हाँ मासा होगी दो फार्मूला डेसी दूस z होल पावर माइनस वन इट मींस मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स ये बराबर थी तो आए कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉड ऑफ z j स्क्वायर थी इन वेरी इजी तो बात आ गई मॉड ऑफ z j स्क्वायर जो फार्मूला डेसी आए प्रीवियस में आए कंजुगेट मुदार के सवाल कर सका गया फॉर एग्जांपल और ही ऐसा के समझ ला इन्हें जो ऐसा के मल्टीप्लिकेट इन्वर्स करना अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इट इज वेरी इजी कंजुगेट चाहे ट्रेन लो कंजुगेट नो 3 प्लस 2 आएगा मॉड ऑफ z जो स्क्वायर यानी कि मैं जो स्क्वायर कर प्लस कर रहा हूं 3 जो स्क्वायर 9 2 जो स्क्वायर 4 इन द 13 आंसर यू नो मुझे क्या आंसर सेपरेट करूंगा सिर्फ इन्हें सेपरेट कर रहा हूं 3 अपॉन 13 प्लस 2 अपॉन 13 आयोटा आंसर ये आसान है मशीन ये शेले का है नंबर डिफरेंस में सॉल्व करने में तमाम आसान है जो सिर्फ कंजुगेट कर लो आई मॉड्यूलस जो स्क्वायर कर लो आए तमाम आसान थी लो इन में वैल्यू पुट कर दे अक्सर स्टूडेंट भूल जी पंदा है पुटा नहीं आए सा जो एडिट इनवर्स नहीं आए सा जो मल्टीप्लिकेट इनवर्स उम्मीद है तमाम ये शेले समझ में अच्छी वैल्यू दी डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है तमाम के जो को लेक्चर समझ में अच्छी भी हो एडिट इनवर्स मल्टीप्लिकेट इनवर्स मॉड्यूलस कंजुगेट बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इन डिवीजन ये तो हमने पार्ट प्रैक्टिस कयो जो त ये असा बार बार एक्सरसाइज नंबर 2.2 में करे आया है कोशिश कयो जितनी प्रैक्टिस करो ओतरो वधिक ता समझदो इन ते ता घर में पजाय सिखायो और प्रैक्टिस कयो इंशाल्लाह सुभाणे असा या नेक्स्ट लेक्चर में असा इंशाल्लाह इन जो प्रॉपर्टी समझंदा सी इन जो प्रॉपर्टी जितरो ता खूब समझदो ओतरो तमा के एमसीक्यू सॉल्व करने हेल्प मिलंदी पुटाऊ में दल तमा के मुझा लेक्चर समझ में दा ता लेक्चर के पूर्ण सुना कयो बार बार सुनो तमा के हर शी समझ में चाहिए मेहरबानी.